और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। एक सदिश ए और एक सदिश बी है, उसके परिमाण बताना, मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण आपको बताना है। क्वेश्चन मान, यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 अंश है, कह रहा है यदि इनके परिमाण समान है, मतलब सदिश ए का परिमाण बराबर है सदिश बी के परिमाण के, और इनके बीच 60 अंश का कोण है, थीटा बराबर 60 अंश है, थीटा बराबर क्या है, 60 अंश है, थीटा बराबर 60 अंश है, इनके बीच का कोण 60 अंश है, और इनका अदिश गुणनफल 1/2, ए डॉट बी भी 1/2 करा, अदिश गुणनफल करा 1/2, अदिश गुणनफल 1/2 है, तो सदिश ए डॉट सदिश बी को हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल, कह रहा वो 1/2 है, अदिश गुणनफल कह रहा है 1/2 है। तो देखो हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे बाबू, हम लोग पढ़े थे कि सूत्र था कि ए डॉट बी बराबर ए मॉड बी कॉस थीटा, जब दोनों बराबर है तो दोनों को यक्स मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, जब दोनों बराबर है तो दोनों को यक्स मान ले रहे हैं, है ना, जब दोनों बराबर है तो दोनों को यक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ए डॉट बी का मान 1/2 है, ए का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है, कास दोनों के बीच 60 अंश का कोण, 1/2 एक्स का स्क्वायर जाएगा, तो एक्स के स्क्वायर कास 60 का मान 1/2, ठीक है। अब ये दो आएगा ऊपर, कैंसिल हो जाएगा, ये वो दो आ गया ऊपर, ऊपर आएगा ना गुणा में 2 में, बटे में गुणा हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर दो कटे हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर भी 1, समझ लो। आप प्लस मान ले सकते थे लेकिन मॉड है ना, इसलिए आप प्लस वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लिखेंगे, अतः सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण बराबर 1, इकाई लिख देंगे, कोई मात्रक नहीं है तो इकाई लिखेंगे, ठीक है।